आदाब नाजरीन कराम, आप देख रहे हो द वर्ल्ड रिलेशन। मैं हूं आपके साथ प्रशांत सरीन। इस वक्त की बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बेंच ने, जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ खुद मौजूद थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस से उनका रिस्पांस मांगा है। रिस्पांस इसलिए मांगा है क्योंकि न्यूज़ क्लिक मीडिया एजेंसी के ऊपर जिस तरीके से लगातार यूएपीए एक्ट के तहत एडिटर इन चीफ और एचआर हेड के खिलाफ मामला दर्ज है और पिछले 10 दिन से वो ज्यूडिशियल कस्टडी में मौजूद है, उसी के तहत पुलिस से एक जवाब मांगा गया है और ये पूछा गया है कि आपकी कार्रवाई किस तरीके की चल रही है और किस तरीके की नहीं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। पूरा मामला शुरू होता है 30 अक्टूबर को, जब एडिटर इन चीफ और फाउंडर प्रबीर प्रकयास्ता और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल सेल द्वारा और उन्हें 10 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उसमें भेज दिया जाता है, जिसके बाद प्रबीर प्रकयास्ता के वकील और साथ में एचआर हेड के वकील जो कि कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत हैं, उन दोनों ने एक याचिका दायर की हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका जो थी इसे खारिज किया। ये याचिका में बेल के लिए अपील की गई थी लेकिन याचिका जो थी उसी वक्त खारिज कर दी गई, जिसके बाद एक ही दिन के बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने एक याचिका दायर की प्रबीर प्रकयास्ता और अमित चक्रवर्ती के हवाले से और ये कहा कि इस मामले के ऊपर संज्ञान जल्दी से जल्दी लिया जाए क्योंकि इनका ये मानव अधिकार है। जिसके बाद आपको बताया दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी बेंच में खुद सीजीआई चंद्रचूड़ मौजूद थे, उन्होंने 16 अक्टूबर यानी बीते हुए 16 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 16 अक्टूबर तक पेपर्स रेडी करने के लिए कपिल सिब्बल को कहा और कपिल सिब्बल की पेपर्स रेडी करने के बाद इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई जो है वो की गई। जिसके बाद आज यानी कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और इसमें ये कहा कि तमाम जो पुलिस सेल है, जो स्पेशल सेल है जिसने प्रबीर प्रकयास्ता और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है, उन्हें अपना रिस्पॉन्स देना होगा 30 अक्टूबर तक और इस पूरे मामले में क्या छानबीन है और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में वो बतानी पड़ेगी। जिसके बाद अब इस मामले के ऊपर लगातार वाद विवाद जो है छिड़ रहा है। अगर आप सियासी गलियारों की बात करेंगे तो लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले के ऊपर इंटरवीन कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रबीर प्रकयास्ता के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रो चाइनीज एजेंडा जो है उसे चलाया है, प्रो चाइनीज प्रोपोगंडा जो है उसे चलाने में और अनलॉफुल तरीके से फंडिंग उनके पास आई है चाइनीज़ लिंक्स वाले एप्लीकेशंस के ज़रिए। लेकिन इस पूरे मामले के ऊपर प्रबीर प्रकयास्ता ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ़, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ लगातार खबरें चलाते हैं, बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, इसलिए सरकार जो है सोची समझी साजिश है जो ये कर रही है।